सेंटर फ्रेश चोइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। कॉमेडी की नर्सरी में आज सुनाई जाएगी लाफ्टर की राइम्स हमारे किड्स स्पेशल में। आज कॉमेडी की पढ़ाई करते बच्चों को म्यूजिक की ट्यूशन भी दी जाएगी और म्यूजिक की क्लास लेने के लिए हमने सरहद पार का टीचर बुलवाया है। सो प्लीज वेलकम द सुपर सिंगर एंड मैजिकल म्यूजिक डायरेक्टर अदनान सामी। वेलकम अदनान टू कॉमेडी सर्कस के अजूबे। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आप सबके दिलों पर राज करने आ गए हैं एक नई एल्बम के साथ, तो प्लीज हमारी ऑडियंस को उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने एक नई एल्बम रिलीज नहीं की, तो मेरी नई एल्बम है जिसका नाम है प्रेस प्ले, और बहुत सारी कॉम्पोजिशंस हैं इस एल्बम में। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सबको भी पसंद आए। आई एम श्योर कि आपकी एल्बम तो 100% सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज हम आपको 100% एंटरटेन करने वाले हैं हमारे एक्ट्स के साथ। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर जजेस एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो। नोनी सिंह के स्कूल फंक्शन में आए हैं हेमा और कुंभकरण। अब नोनी सिंह देता है उन्हें कैसे कैसे टशन, चलिए देखते हैं। प्लीज़ वेलकम मंत्रा एज नोनी, पूर्वी एज हेमा एंड राजीव एज कुंभकरण। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला। एवरीबॉडी, मुझको भी तो विनर करा दे, फर्स्ट नहीं तो सेकंड करा दे। कब से नंबर चार रहा हूँ, राइटरों को मार रहा हूँ। मुझको भी तो विनर करा दे, फर्स्ट नहीं तो सेकंड करा दे। कैसे कैसे, ओ यार कैसे भी करा दे यार, वहां जगह तेरी, ओ बाय गॉड की कसम। Hello, Ajrati. Hello, Noni. And the popular demand the return of the Noni Singh by Attali. Shoil bhai, Honi or Noni ko koi nahi tal sakta. Kone bhai? Aap mere Adnan Sami nahi ho sakte. Koi aur hai. Shruti Adnani hai? Haan. सिंगरों के सलमान खान अदनान सामी। आई नो, आई टेल यू व्हाट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ने आपको काम दिया है। हम जो कहते हैं कि आपने हमारी इंडस्ट्री की इतनी सारी हीरोइंस को अपने म्यूजिक वीडियो में काम दिया जितना हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने नहीं दिया। हर वीडियो में एक नई लड़की। आई टेल, आप फॉरेन रिटर्न है, मेरे पापा भी एल ए रिटर्न है। मैं जब भी बाइक मांगने जानता बोलता एल एफ एल एफ एल एफ तो पूछा एल एफ। अपना एल्बम आया, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक है, कॉन्ग्रेचुलेशन है। अच्छा हिट होगा, आप मेरी फूफी की शादी का एल्बम भी बनाना प्लीज। एनीवे, आई डोंट हैव टाइम, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मेरा आज स्कूल का एनुअल फंक्शन है और एनुअल फंक्शन में मैं हेड बॉयज हूँ। एक सेकंड, हेलो प्रिंसिपल सर, क्या कह रहे हैं, आपको स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए अपने शो के लिए? और जी मंत्रा आजकल नंबर वन चल रहा है, लेकिन उसके बाद डेट्स नहीं है, सारी डेट श्रुति ने ले ली है। बोल रही है दिन भर मेरी आंखों में देख के बोलो तुम्हारी आंखें झील से ज्यादा खूबसूरत है। मंत्रा बोलता है मैं मर जाऊंगा, झील में डूब के मर जाऊंगा, सोहेल की तरह झूठ नहीं बोलूंगा मैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपको एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर चाहिए, कुंभकरण चाहिए। आप चिंता ना करो जी, कुंभकरण नया वाला इधर शो पे जज बना बैठा है, अब पुराना वाला मेरे, मैं बुला के लिया, मैं ऑलरेडी स्कूल में हूँ, चिंता मत करो, फोन रखो। अरे कुंभकरण अंकल उठो, शो का टाइम हो गया, उठो कुंभकरण, आंखें खोलो, शो पर सोने के लिए हमने ऑलरेडी एक को रख रखा है, उठो। एक तरीका है, श्रुति कपड़े बदल रही है, का, 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 है का। पिंकू के ख्यालों में और का। अरे मूर्ख, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तुम हमारे क्रोध की परिभाषा की अभिलाषा के चिंगारे नहीं देख सकते। शेखर सुमन अंकल आप 300 रुपए के लिए कुंभकरण बन के घूम रहे हो आप? बदतमीज, हम कुंभकरण है शेखर सुमन नहीं। हम बहुत देर बाद नींद से जागे हैं, तो हमारे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। हाँ तो ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, श्रुति का कुर्सी के नीचे देखो, खाना छुपा के रखती है। ऐश के बीच में खाने का इसको बहुत शौक है, पिज्जा हड्डी कुछ भी मिल जाएगी, जा। क्या चाहिए बोलो, तुम्हारे मेन्यू में क्या है? सब कुछ है, करीना रवीना माधुरी शाजुरी, बोलो क्या चाहिए? इतने सारे ऑप्शंस? ऑप्शन एक ही है, सुखी बोमबेल पूर्वी जोशी।
कॉमेडी सर्कस को मिमिक्री सर्कस बना दिया है। उस दिन जू बीच पे पाव भाजी खरीदने के लिए गई, पाव भाजी खाने के बाद पाव भाजी वाले ने बोला पैसे, तो बोलती क्या है मुझे पैसे मांगते हो, मैं तुझे पागल दूँ। तुम ऐसा करो हमारे लिए कैटरीना लेके आओ। तेरे शरीर में जितने छेद है वो कम पड़ रहे तेरे लिए। भाई उड़ उड़ के मुक्के मारेंगे, उड़ उड़ के मुक्के मारेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि खावा कितो दी दे पद्दो कितो दी, समझे? अरे फंक्शन शुरू होने वाला है, हमारी चीफ गेस्ट हेमा जी आने वाली होंगी, कहाँ रह गए तुम लोग, जल्दी शुरू करो, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन 1975 के कपड़े अभी तक पहने, नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं आई। अच्छा तो तुम चाहते हो कि यहाँ पे मुझे कोई पहचान ही नहीं, जस्ट लाइक अदनान। ज्यादा बात करने की आदत में है नहीं, लेकिन तुमने पूछा तो बता देते हैं कि आज के एनुअल फंक्शन के हम चीफ गेस्ट हैं। हाँ। लेकिन एक बात याद रखना, धर्म जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए गुस्वंती कुत्तों के सामने मत नाचना। आपको धर्म की भी आवाज निकाल लेती है। हाँ अच्छा। जी हाँ जी। ओह देखो फिर से धर्म जी का मैसेज आ गया, कुत्तों के सामने मत नाचना। ये तेरे अंदर धर्मेंद्र में रोहिणी हतंगड़ी कहां से घुसा दिया दो मिनट के अंदर, पागल औरत। अरे हाथी को कुत्ता बोलते तुझे शर्म नहीं आ रही? अच्छा अगर मैंने इसे हाथी बोला तो तुम्हें क्यों मिर्ची लगी, और अगर लगी भी तो पानी पी लो। पानी पानी पानी, पानी से याद आया, You only drink rain purified water। दिखा यार दिखा उसका। हाँ जी। अरे इसके तो मिर्ची लगेगी क्योंकि शोले में गब्बर सिंह का रोल पहले इसे ही ऑफर किया गया था। क्यों बे सस्ते डैनी? साले बकवास सेठ कमीने, कुत्ते की तरह मारेगा, कुत्ते की तरह मूंगेगा, कुत्ता। हे भगवान हे भगवान, इतने सारे कुत्ते, अब तो मैं डेफिनेटली नहीं नाचूंगी क्योंकि धर्म जी ने कहा कि कुत्तों के सामने नृत्य नाचना बस कर। अगर ये हमारे सामने नृत्य पेश नहीं करेंगी तो हम सोने जा रहे हैं। चुप कर, पहले पहले चवन्नी छाप कभी कुछ करता है नहीं, लाइन याद रहती नहीं है, सोने जा रहे, नाच दो ना थोड़ी सा इसके लिए। अच्छा ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट करते हो तो आपके लिए और सोने जी खास आपके लिए तड़क बड़क गाना। मेरे फोटो को सीने से डाल, चिपका ले सैया फेविकॉल, 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 फेविकॉल। आइटम नंबर में भरे 30, व्हाई? क्योंकि मुझे यही आता है। वैसे तो मेरा गाना कैसे लगा? फेविकॉल, फेविकॉल, फेविकॉल। बकवास! 8-8 स्क्रिप्ट अच्छी थी पर तुमने सत्यानाश कर दिया इसका यार। तो बालिकी आप ये इंग्लिश में भी बोल सकती थी। देखो इंग्लिश में मुझे एक ही लाइन आती है, यू ओनली ड्रिंक रेन प्योरिफाइड वाटर। खरीद लो, खरीद लो प्लीज, नहीं तो ये खा जाएगी हमें। और ये साउथ वाले बहुत पकाते हैं। देखो अपना नारियल जैसा मुंह बंद रखो वरना मैं नारियल तोड़ दूंगी और उसमें से निकलेगा रेन प्योरिफाइड वाटर। तेरी भाई डाल दू थैला रेन प्योरिफाइड। और देखो ज्यादा मत बोलो, साउथ ने बॉलीवुड को उसकी एक लौती ड्रीम गर्ल दी है, और ड्रीम गर्ल को लेकर तो पंजाब ही गया है। अरे सांबर जितना भी हो गरम, लेके जाएगा और खाएगा सिर्फ धर्म। कैसे तुम्हें मालूम है तुम साउथ की हो ना? हाँ। तो बताओ चेन्नई को चेन्नई क्यों कहते हैं? मुझे क्या पता, क्योंकि वहाँ पे लोग लुंगी पहनते और उसकी चेन्नई होती है। इतना पुराना घटिया जोक। पुराना घटिया तो साले अब कौन सा, उन्होंने लुंगी में चेन लगा दी तमीने। तुम बड़े वैसे मुझे इंटेलिजेंट लगते हो। Yes. हाँ तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। Yes. ये बताओ दिल्ली है? जब भी नोनी बनता हूँ एक ही सवाल पूछते, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। अरे नहीं मैं याद कर क्या। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि भाई दिल्ली किस देश की राजधानी है? हाँ। बोलो 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 देश है। बोलो। बच्चे के घुटने पे जोर डाल रहे हो तू। अच्छा तुम ये बताओ, हाँ
मुझे संस्कृत सिखाओगी? संस्कृत लेकिन क्यों? क्योंकि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, देवताओं की भाषा आनी चाहिए। और लेकिन नर्क चले गए तो? तो पंजाबी तो आती है। मुझे हम पंजाबी वेरी फ्री होते हैं। फ्री से याद आया कि हाँ? आप टेल मी ऑफ खुदा के बाद काफी फ्री लग रही हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी फिल्म टेल मी ऑफ खुदा डायरेक्शन नहीं लेकिन कास्टिंग की वजह से फ्लॉप हुई थी। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपनी अगली फिल्म के लिए ऑडिशन ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। और परसों वो लड़की आई थी, कौन है आपकी, वो मिमिशा लांबा, हाँ ऑडिशन देने आई थी। Hi, Majim. I just want to work with you. कब से मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में काम करूँ। प्लीज मुझे एक ब्रेक दीजिए, मैं बहुत सैलेंट हूँ। प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज 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 इतना थूकी औरतों की जावेद खत्थर। Oh my God, too much. और इतना मेरे मुंह पानी पानी कर दिया, लेकिन फिर मैंने पिया Rain purified water. ये ऐसी की तैसी क्या है? अरे तुम लोग बंद करो, मेरा एनुअल फंक्शन चला जा रहा है, प्रिंसिपल से नाराज हो जाएंगे। हाँ, चलो बच्चे लोग परफॉर्मेंस के लिए रेड। अरे परफॉर्मेंस बच्चों के मम्मी पापा अपना परफॉर्मेंस बंद करो। निर्वाण के डैडी, आयुष्मान की मम्मी, हाथ छोड़ो नीचे से, हाथ छोड़ो नीचे से। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिंग अप, यो यो नोनी सिंगर। Yeah, everybody give it up for yo yo नोनी सिंगर। अरे स्कूल की टीचर मुझसे डरती, क्लास की कुड़िया मुझ पे मरती, घर पे होमवर्क मम्मी करती, फिर भी डांट मुझे है पड़ती, नोनी सिंगर। एंड दिस वन्स गोइंग आउट टू यू अर्चना। मड आइलैंड से आती है, अरे जाने कितना खाती है, हमको बड़ा सताती है, नंबर देने कतराती है, पर हमको लुभाती है और हंसती है हंसाती है, कभी तो यारो आर्ची अपनी नंबर वन कहलाती। यो यो पूरण सिंह सोहेल भाई आ छूटे नहीं। अरे बैंड्रा से वो आता है, सोनी खुड़ी पटाता है, बिरयानी खिलाता है, हम सबको बड़ा फाता। यो यो सोहेल का न श्रुति जी फॉर यू। चलते एक्ट में खाती है, सेट पे लेट वो आती है, पंच समझ नहीं पाती है, फिर भी हंसते जाती, 16 की बतलाती है, बड़ी पुरानी प्रजाति। यो यो श्रुति सेट। अदनान, लेट्स स्टार्ट विद यू, कैसा लगा आपको हमारा ये एक्ट? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बल्कि आपको देखकर खासतौर पे मुझे प्यास आ रही है पानी की। कौन सी? रेन प्योरिफाइड वाटर। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। थैंक यू अर्चना। एक्ट के बीच में ही जब नोनी आया तो आई फेल्ट लाइक डूइंग दिस। फिर वो क्या सूखी बॉम्बे लाई, एंड व्हेन शी स्टार्टेड हर होल आइटम, फिर ये करने का। और फिर एक्ट एंड हुआ और वहाँ आपने अपना रैप किया नोनी जी, और तब राइटर्स के लिए, क्रिएटिव टीम के लिए और पूरे एक्ट के लिए, हमारी जो क्रिएटिव टीम है, मैं कभी कभी उनसे पूछना चाहती हूँ क्या सोचकर तुम लिखते हो यार? एक नोनी होगा, एक हेमा जी होंगी और एक कुंभकर्ण। Only in India and only in comedy circus can we think of something unique like this. Thank you. Sohail? This as a combination, मतलब कुंभकर्ण, नोनी, हेमा जी, यही एक खासियत है कॉमेडी सर्कस के राइटर्स की, क्या इन सबको मिलाना और एक एक्ट क्रिएट करना, एंड यू गाइज एन एक्टर्स टू डू फुल कन्विंस्ड जस्टिफिकेशन टू दैट, हैट्स ऑफ। थैंक यू। आई नो कि आप स्कोर्स ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मिमिशा जरा एक बार स्कोर्स मांग लीजिए। प्लीज सोहेल जी, इफ यू डोंट माइंड जस्ट गिव मी माय स्कोर्स, इफ यू डोंट माइंड। थैंक्स। Farewell. It's so bad, he's mean person. Yo, yo, Sohail Khan. Oh, Mimisha, that was seven. You guys. Thanks, I like you more. Thanks. Adnan ji, we've been big fans. और हम सब जानते हैं कि आप द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। हम एक बार लाइव आपको देखना चाहते हैं, अगर आप हमारे इच्छे से श्रुति से सिंथेसाइजर पे अपनी उंगलियां रख देंगे तो बड़ा मजा आएगा। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ टू अदनान सामी।
वैसे वी हैव टू से अदनान दैट यहाँ पर ये सब ज़रूर कॉमेडी सर्कस के अजूबे हैं लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री के असली अजूबे सिर्फ आप हैं. प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू अदनान सामी. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. अगर कोई चीज़ कमाल हो तभी तो अपना सीक्वल बना पाती है, इसीलिए तो दबंग के बाद दबंग 2 आती है और दुनिया में पहली बार किसी एक्ट का सीक्वल आएगा. कृष्णा सुदेश का प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे के जन्म वाला वो माइंड ब्लोइंग एक्ट आज फिर दोहराया जाएगा. माँ, ये आवाज कहाँ से आई? माँ मैं तुम्हारे पेट से बोल रहा हूँ. तुम्हारी इतनी बड़ी कोक कैसी है? बेटा ये एक पंजाबन की कोक है, आजकल की लड़कियों की तरह डाइट कोक थोड़ी है, छोटी सी होगी. लेकिन एक नए अंदाज और एक नए मैसेज के साथ, सो प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश एंड सिद्धार्थ. दर्द हो रही है. दर्द हो रही है. मैंने तो पहले कहा था मेरे को सोने दे. कहती है नहीं पर प्यार भरी बातें करेंगे. देखा कितनी बड़ी बात हो गई. बच्चा तो मुझे पैदा करना था, लड़का मुझे चाहिए था अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए. अच्छा इसका क्या सबूत है कि लड़का ही पैदा होगा? अगर लड़की पैदा होगी तो लड़की होगी तो क्या खिला पिला के अर्चना पूरन सिंह जैसा बना देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा. नहीं अगर ऐसा होगा तो फिर लड़की ठीक है. ये कौन है? देखा ये होती औरतों की फितरत है, माँ क्या बन गई अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल गई. अरे वो सोहेल खान है तेरा बॉयफ्रेंड. अच्छा अच्छा वो तो अदनान जी हैं. हाँ वो बैठे अपने मुल्क में ऐसी पर्सनालिटी यहाँ तक नजर आ रहे हैं. अरे तो पागल हो गए, वो सचमुच में आए यहाँ बैठे हुए हैं. अच्छा हाँ देख कितनी स्लिम हो गए ना. काफी पतले हो गए. इतना पतले कैसे हो गए यार आप? टेंशन. किस बात की टेंशन? प्यार की टेंशन. काफी देर पहले इन्होंने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, मैंने इनकार कर दिया. लेकिन धोखेबाज इंसान, मुझे क्या पता था ऐसे हो जाएगा बाद में. हैंडसम कहीं का. अरे इनका बालों में बहुत प्रॉब्लम था. पहले बड़े क्यूट से थे ना, ये जिस मोहल्ले में रहते थे वहां आसपास के होटलों में थाली सिस्टम कैंसिल कर दिया था उन्होंने. क्योंकि 200 रुपए की थाली में 20 करोड़ का खाना खा लेते थे. कई होटल वालों ने तो बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ था, आउटसाइड फूड एंड इनसाइड अदनान नॉट अलाउड. लेकिन एक बात कहूँ, कुछ भी हो सोहेल साहब बुरा नहीं मानना, आप मेरा पहला प्यार है. लेकिन जो अदनान जी है ना उनके जैसा कोई नहीं हो सकता. इनको जब नींद आती सो जाती है, एक्ट देखती नहीं. इनको जब नींद आती गाना पूरा करके छोड़ते हैं. अच्छा हाँ कैसे? ऐसे मैं तो चलता हूँ. सुनो सुनो मैं तो मजाक कर रही थी. हाँ अब तो तेरा पेट भरा है, तू तो कितना भी मजाक कर सकती है. हम लोगों का प्रॉब्लम है गरीब लोग. अरे बहुत जरूरी काम से जाना है. सब स्टैंड अप से भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मुझे इस हालत में छोड़कर माँ बनने वाली. पता है क्या प्रॉब्लम है? अभी हमको एक एक एपिसोड के 4-4 लाख रुपए मिलते हैं. 3-4 कैरेक्टर नहीं करूंगा तो जस्टिफाई नहीं होगा ना. हम जज थोड़ी है यार, 4-4 कैरेक्टर करेंगे हम लोग, ऐसा थोड़ी होता है. नींद आई थोड़ा आराम कर लूं, अंधेरा कर दो. दिन हो गया. ये मेरे पेट में पानी की टंकी कौन रख के गया? अबे ये पानी की टंकी नहीं तेरा पेट है. तो फिर ये बात चैनल वालों को बोलो, कलाकारों के भी पेट है, हमारी पेमेंट दे दो, भूखे मर रहे हैं. हाय मैं अपने बारे में सोचू कुछ खा लूं? कहते इन दिनों में कुछ खा लेना चाहिए. क्यों बहन जी खाएंगे आप तो ठीक ठाक लगती, खा लो. मैं खाऊंगा. मैं पहले खाऊंगी. मैं खाऊंगा. मैं खाऊंगी. मैं खाऊंगी. मैं तेरी ये माँ का सकीना. मैं खाऊंगा. ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या हो रहा है? एक मिनट. मैं खाऊंगी. मैं खाऊंगा. ये क्या? एक तो मेरे पति का है, ये दूसरा मेरा, ये जुड़वा जोरदार ताली, एक लड़का एक लड़की हुई है. वाह ये बिस्किट के लिए क्यों लड़ रहे हो तुम? तो बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट के लिए लड़ेंगे ना.
प्रॉपर्टी के लिए बड़े होके लड़ूंगा। ओ तू बड़ा होके प्रॉपर्टी के लिए लड़ेगा? लड़का हूँ, बड़े होके मुझे ही मिलेगी। अच्छा तेरे को पता नहीं तू भिखारियों क्या पैदा हुआ है समझा? कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तेरा बाप है ना ढंग की माँ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, कैसे आदमी को साड़ी पहनाकर माँ बनाया हुआ इन लोगों ने। बकवास की मुक्का मारूंगा तेरे। ये कौन है? ये वो है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे मुझको एरोप्लेन। अरे अदनान जी एक बात बताओ, ये चीची मामा के साथ आपने गाना किया था ना थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, उसके बाद साथ में काम क्यों नहीं किया आप दोनों ने? हे चुप कर, ये बात करनी नहीं। क्यों? वो थोड़ा झगड़ा हो गया था। झगड़ा किस बात पे? बेटे शूटिंग पे गोविंदा जी कपड़े बदल रहे थे इनके पीछे और ये आगे से हट गए, गुस्सा आ गया गोविंदा जी को, कहते मैं तेल बेच लूंगा तेरे साथ काम नहीं करना। तू अकेली पैदा नहीं हो सकती थी, मेरे साथ पैदा क्यों हो रही है? तेरे को मालूम है अभी हमारे देश का यह हाल है, कोई भी लड़की अकेली कहीं भी नहीं जा सकती, अगर भाई साथ रहेगा कम से कम सेफ तो रहूंगी मैं, है कि नहीं? ठीक बात है, उधर हो चल, मेरे को जगह चाहिए। ज्यादा बोलेंगे ना मारूंगी मैं। वैसे ही तेरे को इतनी जगह मिली है, तेरे को मालूम है तू पैदा होगा ना बंबई में इतनी भी जगह नहीं मिलेगी तेरे को रहने के लिए। लक 28 कुड़ी दा 47 मीट कुड़ी दा कोल बिठावे तिन सीने लावे हनी सिंह। माँ तुमने बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेटा हम बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन ये ऑप्टी वाले हमें जाने नहीं देते। आपने देखा हमने पुराने एक्ट का सीक्वल किया, इससे मैंने साबित कर दिया कि सुदेश का पेट कृष्णा ही भर सकता है। चलो अब मैं भी कह सकती हूँ इन दोनों कलाकारों को मैंने जन्म दिया है, जोरदार तालियां। हाँ जन्म दो ना, अभी जल्दी टाइम हो गया है। ओके बेटा मेरे को बताओ ना, मेरे को दर्द ही नहीं हो रही ना, तुम लात मार रहे हो, इतने शरीफ बच्चे पैदा हो रहे हैं। बेटा निकल गई हूँ, मारते रहो लात। बेटा अंधेरे में जन्म लेना सबके सामने बेइज्जती। और इस तरह दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। माँ का प्यार अपने बेटे के लिए ज्यादा और ना जाने बेटी के लिए क्यों कम होता है। जिस बेटे को उसकी माँ ने इतने लाड़ प्यार से पाला था वो शादी के बाद क्या कहता है, आइए देखते हैं। माँ माँ कहाँ मर गई बुढ़िया? ए, ए, बुढ़िया किसको बोला, बुढ़िया होगी तेरी माँ। और किसको बोला मर गई, अभी नहीं मरती, मैंने बहुत पेमेंट लेनी है यहाँ से। तेरे को क्या बोला था, अपने कपड़े धोती है तो बहू के साथ में धोया कर। बेटे बहू के कपड़े मैंने धो दिए, संभाल के रखे। कहाँ है? बहू के कपड़े नहीं है, फ्रिज साफ करने का कपड़ा ये। हाँ इसका मतलब बहू के कपड़ों से मैं फ्रिज साफ करके आई हूँ। खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास की तो बाहर निकल जाए यहाँ से। अरे कमीने शर्म कर, तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा गया इसलिए कि तू मुझे घर से निकाल दे, मैं कहाँ रहूंगी? मैंने तेरे लिए वृद्ध आश्रम में कमरा बुक करा है, श्रुति सेठ के बगल वाला, वहां तू रह सकती है। बेटा तू मुझे गोली मार दे लेकिन मैं बुड्ढी के साथ नहीं रहूंगी। शर्म आनी चाहिए तेरे को। बाहर निकल जा। मैं नहीं निकलूंगी। निकल बाहर। बात कर। बाहर निकल। भैया। ये क्या कर रहे हो तुम? आ गई गवार तू? गवार कौन है अभी पता चल जाएगा। अरे पढ़ा लिखा गवार तो तू है जो अपनी बुड्ढी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है। माँ डायलॉग बोल ना, माँ बोलती क्यों नहीं? तेरा है। सारे गाना पता नहीं सना दिया। बेटा तेरे को क्या बताऊं, सानी दबा मैं घर से। बेटा इस लड़की ने मेरा जीना सारे गाना पता नहीं सा, मैं तुमको बता नहीं पाता। बेटा मैंने इसको इतना प्यार दिया लड़के को लेकिन इसने सानी दबा मांगा रेसा, मेरा बेड़ा कर मुझे कहता है घर से बाहर निकल जा, धक्के मारे मेरे को बेटी। नर्क में जाएगा तू याद रखना। माँ माँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान दूंगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगी पिलाऊंगी। वाह अच्छा हुआ बेटी तू आ गई। अच्छा तो मैंने उसी दिन कर दिया था माँ जिस दिन मैंने यहाँ पर जन्म लिया था तुम्हारे घर के अंदर। अर्चना जी याद है आपने पिछली बार कहा था कि ये वैसा मंच नहीं है, यहाँ पर इस तरीके के मैसेजेस मत दिया करो,
बट आई थिंक अर्चना जी, इन मैसेजेस के लिए जो मंच है वहां पर इन चीजों का उन लोगों ने मजाक बनाया हुआ, तो हम लोगों ने सोचा हमारे कॉमेडी सर्कस में क्यों ना हम एक छोटा सा फिर से ये मैसेज दें आप सभी लोगों को। अदनान, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने पैगाम पेश किया है बहुत गहरा पैगाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोहेल। कृष्णा आपने सही कहा है, यही ऐसे मंच है जो भी हमको कहना है हंसी मजाक करते हुए लेकिन एक सीरियस नोट को लेके, तो फॉर द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे फॉर दैट आई विल गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू सर। आरजी, जब आपने पहली बार ये एक्ट किया था, ये सीक्वल है, पार्ट टू है, ये कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, लेकिन उसमें एक नयापन आप लाए कि अब एक बेटी नहीं एक जुड़वा है, लेकिन आज इस बेटी का मसला जो बहुत रैम्पेंट है हमारे देश में और बेटी की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, उसको आपने एक बार फिर ताज़ा किया है कॉमेडी के इस मंच पर। और बहुत सही बोला है कि बाकी सारे मंच हैं जो इस मसले के लिए उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें मजाक बनाकर रख दिया है, तो आज हम इस अपने मजाक के मंच को एक आवाज़ दें और एक बहुत सीरियस बात कहें एक अनोखे अंदाज में, हमारे कॉमेडी सर्कस के अंदाज में। थैंक यू आर्ची। तो जजेस, टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। अर्चना 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना, सुहेल 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। एक बच्चे की नजर से बिग लॉस के लफड़े दिखाने आ रहे हैं सिद्धार्थ एज बच्चा, भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड किकू एज बिग लॉस कंटेस्टेंट्स। तुम आ गए अदनान सामी, दुनिया की नजर में हो गए तुम सामी लेकिन मेरे तो स्वामी हो। मंत्रा पूर्वी के एक्ट में क्या कीबोर्ड पे तुमने उंगलियां फेराई? मुझे वो दिन याद आ गए जब ऐसी उंगलियां तुम मेरी पीठ पे फेराते थे और मेरी अरोमा मसाज हो जाया करती थी। अब कहां याद तुम्हें वो सब बातें, तुम तो अपनी भारती को भूल ही गए हो, लेकिन मैं, मुझे प्यार का वो हर पल याद है जब हम दोनों गले मिलने के लिए पास आते थे, हम दोनों के पेट जाम की तरह टकराते थे। मुझे आज भी याद है वो जब हम दोनों ट्रक पे डेट के लिए जाया करते थे क्योंकि गाड़ी में हमें कोई बिठाता नहीं था। हाय रब्बा, मुझे आज भी याद है वो रातें जब हम मूवी देखने जाते थे तो हम दोनों से ही थिएटर हाउस फुल हो जाया करता था। एक मिनट, तुम आ गए हो तो मैं चाहती हूँ कि आज से मैं फिर सुहागन हो जाऊं। लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पे अपनी एल्बम प्रेस प्ले की प्रमोशन के लिए आए हो, है ना, और मेरी दुआ है कि तुम अगली बार फिर आओ अपनी दूसरी एल्बम के लिए स्टॉप एंड इजेक्ट और फिर तीसरी बार आओ स्पीकर और चौथी बार आओ वायर, ऐसे करते करते पूरा होम थिएटर बना दो तुम। वाह, हमारा बच्चा तो याद है ना तुम्हें? प्यार की निशानी, वैसे तो प्यार की निशानी कहते हो लेकिन बच्चे का जैसा मुंह है तुम्हें प्यार की निशानी नहीं प्यार का धब्बा लगेगा। और नाम भी मैंने हम दोनों के प्यार जैसा ही रखा है। एक मिनट, कचरू कचरू पापा आ गए, कचरू पापा बेटा, पापा को चाट ले, चूम ले, फाड़ दे पापा को। अरे हाँ, ये माउथ ऑर्गन मुंह वाला बच्चा हमारा ही है। पापा को पहली बार देख रहे हो इतने सालों बाद, चलो पापा को अपना टैलेंट दिखाओ। अरे अरे कचरू, बेटा ये वाला टैलेंट नहीं, पढ़ाई वाला। पापा को फटाफट होमवर्क करके बताओ, चलो। नहीं नहीं, मैं होमवर्क नहीं करूंगा, मैं बिग लॉस देखूंगा। नहीं, पहले होमवर्क, पहले बिग लॉस। भाई साहब प्लीज आप ही कुछ बोलिए ना बच्चे को। कचरू, अपनी माँ द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करें। ठीक है, बैठ जाता हूँ। हाय रब्बा, चल अब काम कर, मामा आती है अभी। हाँ, मामा गई तो मैं चला अलग छे निरंजन।
345वां दिन शाम के 6 बजे। सलामुअलैकुम, नमस्कार। और मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों से इल्तजा करना चाहूंगा कि आप प्लीज मुझसे जरा तमीज से पेश आए, बिकॉज आई एम नॉट अ नोबडी, आई एम अ समबडी हु इज नोन टू एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी। तो अपनी बाजी बाजी आंखों को खोलिए और मुझसे जरा तमीज से पेश आइए। और अगर आप मेरे साथ तमीज से पेश नहीं आना चाहते, देन यू कैन टॉक टू द हैंड, द हैंड ऑल्सो टॉक्स, वाह 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 वाह, ओह माय गॉड इट टॉक्स, ओह माय गॉड देयर इज सोहेल खान हियर, ओह माय गॉड सोहेल खान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओ आर यू जजिंग अ कॉमेडी शो। अगर आपको देखना है कि कॉमेडी क्या चीज होती है और फनी क्या होता है, आप मुझे देखिए डार्लिंग, एंड व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ दिस is what you call English. आप अपनी English से लोगों को गुमराह ना करें प्लीज, all right? Oh my God, darling, did I miss out on you? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। Well, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा ही आनंद आया मुझे आपसे मिलकर। पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो मेरी पैंट देख रही है ना आप, these are wrinkle free, but you are not, darling. वैसे मुझसे कहा गया था यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक लोग हैं, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं, आई डोंट सी एनीवन। ए डोली दिखने के लिए तालियां बजा। ए सारे तालियां बजा, तुम्हारी माँ की पीप 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 तालियां बजा। सोहेल खान मुझे नहीं बचाना था, मैंने तेरे को नहीं बचाना, तू सोहेल खान। हाय लंदन, मैंने सिर्फ आपको हाय कहा है। ए रे फालतू, मैं किसी की हाय नहीं लेती। साइन आउट। ए बाप पे मत जाना, मेरे बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना। ए बहुत हो गया, ए तेरा ये नाटक ना चले, चल हवा आन दे ट्रैक्टर, चल निकल। ए मेरे बाप पे मत जाना, फिर से मेरे बाप पे जा रहा, बाप पे मत जाना। ए बोलो लंदन, मैंने तो सिर्फ ट्रैक्टर कहा। हाँ तो मेरा बाप वही चलाता था, तभी तो मेरी ट्रैक्टर की इंजन की जैसी आवाज है। कछू बेटे होमवर्क करो, वरना मैं तुम्हारा नाम पापा को बोल दूंगा। ए बाप पे मत जाना, टकले बाप पे मत जाना। अरे आंटी, वो मेरे पिताजी की बात कर रहे हैं आप, चलो चलो करो। चल चल निकल, हवा आंदे, समझी ना, टाइम आउट, डू यू अंडरस्टैंड, टाइम आउट। Hey, you better talk to me with some tamiz, okay? बहुत ज़्यादा हो गया, अगर इतनी बदतमीजी करनी है ना तो रुको एक मिनट, मैं यहाँ पर अभी इसी वक्त अपने सारे कपड़े उतार रहा हूँ। देखो कितना साफ सुथरा आदमी है, कपड़े उतार के नहाने जा रहा है। काई का साफ सुथरा आदमी है, ये तो बहुत गंदा आदमी है, इससे अच्छा तो हमारा सिद्धार्थ जाधव है। तुम लोग का चल रहा है ना, मेरे को काहे चला रहे हो बीच में। Excuse me, time out. Time out. Time out. अरे क्या लगा रखा है, टाइम आउट टाइम आउट। आउट करना है तो कपिल को करो, कृष्णा को करो, मंत्रा को करो, अपना भी फायदा हो, वो बोलो यार तुम। ए यू जस्ट कीप सिटिंग यू ब्लैक बॉय। डॉली और इवान, अगर आप शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगी तो आपको घर से निष्कासित कर दिया जाएगा। ए उससे पहले तेरे बाल पकड़ के तेरे को निकाल दूंगी बाहर। तेरी बीप बीप बीप। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, मैं खुद आता हूं। ए, कौन है तू? मैं हूं बिग लॉस। ओह माय गॉड डार्लिंग, तुम्हारा तो टाइम आउट नहीं, तुम्हारी तो एक्सपायरी डेट ही क्रॉस हो चुकी है। अच्छा तू है बिग लॉस। तू हमें जाता है ना? ये बिग लॉस है। तू बताता है ना? Oh my God, darling. What, darling? ये बिग लॉस। बाप ने जाता था। तू मेरे बाप पे जाता था। अरे रुको, अरे रुको, अरे। ए, बाप पे मत जाना। बाप पे मत जाना। Time out, baby. Time out. बाप पे मत जाना। बाप। ओ यार, बाप पे ना। या। बाप पे मत जाना। बाप पे या। ओ baby या। बाप। चुप। अगर हम बच्चे ऐसे प्रोग्राम देखेंगे तो हमारे दिमाग पे यही असर होगा ना। इससे अच्छा कुम अच्छा देखे हम लोग, सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल के पहले एक कार्यक्रम आता है, कॉमेडी सर्कस, वो देखे। या फिर वो छोड़ो,
अदालत के बाद एक शो आता है कॉमेडी सर्कस, वो देखे। और अगर कुछ नहीं मिला तो कॉमेडी सर्कस तो है ही, टाइम आउट। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि हम मिले जुले हैं? जी हाँ, दैट्स राइट, सेंटर फ्रूट मिंगल की तरह। अर्चना, जो कैरेक्टराइजेशन था इस एक्ट में वो बहुत बढ़िया था। आपने कहा क्राइम पेट्रोल से पहले है कॉमेडी सर्कस, वो देख लीजिए, अदालत के बाद आता है कॉमेडी सर्कस, उसे देख लीजिए। मैं तो यही कहूंगी, जहाँ इतने बढ़िया एक्ट्स हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो भी ऐसे एक्ट देखता है, जो भी हमारा शो देखता है, वो जानता है कि इससे बढ़िया देखने लायक शो और कोई नहीं। थैंक यू अर्चना। अदनान, बच्चे को देखकर कैसा लगा आपको? आपके हसीन बेटे को देखिए, भारतीय हकीकत यह है कि मैं आपकी तलाश में यहाँ पे आया हूँ। आप खामा खा कह रही थी कि मैं आपको भूल गया हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूला। जब आप डॉली बनी तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्यों आपसे भाग गया था। और रहे बेटा, तुम्हें देखने के लिए मेरी आँखें तरस गई थी, बट इट वॉज ऑल फैंटास्टिक। और बहुत बहुत शुक्रिया, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। भारती, शो के बाद बिल्कुल सब मंगलसूत्र सिंदूर इधर ही। लव यू सुहेल। आप रोइए मत, अब मुझे पता है भारती ना यही करती रहती है, जब हमारे सेट पे कोई आता है भूल जाती है कि सारे प्रॉमिसेस आपको किए हैं और भागने की बात दूसरे इंसानों के साथ, बहुत गलत बात है। नहीं भारती, तेरे में कैपेसिटी है। बट यू नो, एक्ट को देखते हुए आई थॉट दैट दिस एक्ट वाज फॉर अ 9, बट द वे यू ऑल प्लेड इट, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 10. 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। एब्सोल्युटली राइट एंड वेरी वेल सेड कि बारीकियां देखें तो ये 10 के काबिल। थैंक यू मैम। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना एज वेल। सर, आपने मंत्रा पूर्वी के लिए इतना अच्छा बजाया, और मैं बहुत एक सच्चाई बताना चाहती हूँ सर, जो आपकी एल्बम में मेरे लिए पंजाबी गाना बनाया सर आपने, हाँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे सामने आए और पास खड़े हुए सर, मैं आपको करीब से देखना चाहती हूँ कि आज अच्छा परफ्यूम लगाया कि नहीं आपने, और गाएं सर। एक्चुअली बात यह है कि मैं आपकी याद में मैंने वो गाया था और कंपोज किया था। जब भी मैं आपके बारे में सोचता था तन्हाई में, तो मेरे दिल से आवाज निकलती थी, कुड़ी हाय ओए, टैट, टाइट नहीं, टैट, तो वही बोल सर, इधर तो सब ढीला, कुड़ी यारों देखो एकदम टैट, देख के उंद दिल हो गया फ्लैट, टीनेज बज गई ठा करके, चुकंग में दीपा फड़ पे, कुड़ी हॉट लग दी, अब कुड़ी टैट लग दी, अब कुड़ी टैट लग दी, अब बड़ी हॉट लग दी, अच्छोरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज अपने बेटे को पहली बार मिले हैं, आप अपनी आधी जायदाद इसके नाम कर। ये आप मुझे जब छोड़ के गए थे ये होने वाला था, तो ये इनकी इनकी शक्ल इसलिए ऐसी है क्योंकि जब आप छोड़ के गए थे तो मैंने गुस्से से अपने पेट पे मुक्के मार लिए थे। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप जो हैं इसमें शिरकत करें और इस वीडियो को हॉट बना दें, हॉट। सर, हम बहुत लाइव शो करते हैं और मैं वादा करती हूँ कि जब भी लाइव शो में मैं एंट्री करूँगी आप ही के गाने से करूँगा। कितने साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है तू? तेरे साथ सब पढ़े बच्चे टीचर लगे, तू क्यों, तू कब पढ़ेगा? पापा, आपको प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है साले, तेरे को पता नहीं कौन सी आवाज कहाँ पे निकालनी है। तेरे को बच्चा बनाया, ओम प्रकाश की आवाज निकाल रहा है, तेरी गर्दन तोड़ दूं दिल करता है मेरा, बदतमीज आदमी एक। ओ माई गॉड, अदनान साहब के लिए जोरदार तालियां। वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट पियानो प्लेयर, पियानो प्लेयर के ये मिल्खा सिंह माने जाते हैं, बड़े तेज बजाते हैं। सर जी, इतनी तेज क्यों बजाते हो आप पियानो? जल्दी जल्दी बजा के कहीं जाना होता है आपको? क्या आपको डर होता है कि जिसका है वो आ ना जाए? आई लव यू सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। पापा, मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या? हाँ।
तू फैन है इनका? हाँ। इनका गाना सुनेगा? हाँ। सर जी आपको गाना है ना, दो मिनट थोड़ी रिक्वेस्ट है, वो वाला ये जमीन रुक जाए, दो मिनट सर जी। मैं गाऊंगा, आप नहीं, आप बैठिए। ये जमीन रुक जाए, आसमान झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ये बात बहुत क्लासिकल, ज्यादा मुश्किल नहीं, आप तीन चार बार आएंगे आप ही सीख जाएंगे। साले बेस्टी कराते इतने टैलेंटेड बाप की, तेरी कितनी कंप्लेंट आती, बदतमीज के बच्चे, तेरे को तेरी टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। Stop it, how can you hit a child like this? I love you too, but ये तो गलत बात है ना? तू साले तेरी पिता। हटिए। एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा जाता है क्या? ये बच्चा, इसकी हड्डियां तोड़ने को दिल करता मेरा, पता कितनी कंप्लेंट आती। अब मेरे को एक बात बताइए, इस स्कूल में श्वेता मैडम कौन है? मैं हूँ, बोलिए। ओह माय गॉड, आप हैं? आई एम सॉरी, मेरे बच्चे ने आपको इतना तंग किया, मुझे माफ कर दें आप। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? टीचर मेरे पापा को माफ कर दो, टीचर माफ कर दो। बदतमीज आदमी। अरे ये छोटा बच्चा है, इस तरह क्यों मार रहे हैं आप? छोटा बच्चा ऐसे पांच मिनट तुम्हारे साथ और गले लगा रहता ना, मेरे से ज्यादा जवान हो जाता ये। रे भाई, रे बदतमीज आदमी, इतना घटिया बच्चा पैदा कर दिया मैंने। वैसे एक बात है कि आपका बेटा ना बड़ा नालायक है, अपने टीचर की बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा, झूठ बोलता है? मेरे को पता क्या कहता था, मेरे को कहता स्कूल में मैं इसलिए फेल हो जाता हूँ क्योंकि टीचर पढ़ाती नहीं है। झूठे कहिए, 26 इंच की कमर मैडम की, वो झूठ बोलेगी? बदतमीज आदमी। आपको कैसे पता कि मेरी कमर 26 इंच है? इतने साल हो गए आपके साथ काम करते हुए। कमर का भी आइडिया ना हो तो लाने थे हमारी मर्दानगी पे। आप तो हद कर दिए। इसे कुछ नहीं आता, ये पढ़ाई में एकदम कमजोर है, ये इस बार इंग्लिश में भी फेल हो गया। क्या बात कर रही हैं आप, मेरा बच्चा और इंग्लिश में फेल, अनपॉसिबल। देखिए, अनपॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है, लगता है आपके भी इंग्लिश कमजोर है। तेरी वजह से तेरे बाप की बेइज्जती होती है साले। कल इसने मेरी चेयर पर ना ऐसे पेंसिल रख दी, मैं जाकर बैठी तो क्या हुआ? कितनी चुभी पता है, और इसने होमवर्क भी नहीं किया। तो होमवर्क कैसे करता, पेंसिल तो आपके पास है। देखिए मैडम, मैडम मेरी बात सुनिए, आप इसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आप बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ाइए जो उसको अच्छा लगता है। अरे इसे सिर्फ फिल्में देखना अच्छा लगता है, दिन भर मिमिक्री करता फिरता है। फिर क्या हुआ मैडम, जिसका इंटरेस्ट पढ़ने दे, क्या पता कल को बड़ा होके यही शेर खान बना दे। आपने मेरे को फोन पे ये भी कहा था किताबें किताबें पढ़ता, क्या कौन सी गंदी किताब पढ़ी मेरे बच्चे ने? ये देखो, ये गंदी गंदी अश्लील किताबें पढ़ता है क्लास में। उबलती जवानी। सॉरी पापा। सॉरी का लगता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी खोलने की? देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, ये किताब कोई अश्लील नहीं, मैंने सारी पढ़ी है, 24th पेज पे थोड़ा सा कुछ है नोटी टेप, लेकिन इतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। लेकिन फिर भी ऐसी किताब तेरी हिम्मत कैसे पढ़ने की, ऊपर दुपट्टा नहीं डाल सकता था मैं? वही तो कर रहा था, लेकिन मैंने जैसी मैडम का दुपट्टा खींचा ये मारने लगी। मैडम का दुपट्टा खींचता है, मेरी बराबरी करेगा साला बदतमीज बच्चा, बेइज्जती करवाते ऐसे बच्चे। मैडम एक बात करो, एक आप काम करिए, आप एल्बो से नीचे नीचे इसकी टांगे तोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिए टांगे इसकी। क्यों क्यों टांगे क्यों तोड़नी है? अमीर लोग हैं, हमें कौन सा चलना फिरना होता है। सारे काम हमारे नौकर लेकर देते हैं, हमें कोई काम हम नहीं करना, बच्चा सुधरना चाहिए बस। लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है। अरे लाड़ प्यार सब ठीक है, लेकिन इतना भी क्या लाड़ प्यार, जब देखो तब ये नाक में उंगली डाल देता है। तो नाक में उंगली डालना कौन सी बड़ी बात है, सारे डालते बच्चे, इसमें क्या है? तो फिर अपने नाक में उंगली डाले ना, दूसरों के नाक में उंगली क्यों डालता है? क्यों भाई, दूसरों के नाक में उंगली डाल रहा है? पापा ये झूठ बोल रही है। अच्छा, रेशम जैसे बाल, वो झूठ बोलेगी, वो झूठ बोलेगी। पता है आपको क्या? इसे कुछ नहीं आता। कल मैं से पूछ रही थी कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो भी नहीं बता पाया। आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगी तो कैसे बताएगा? देखिए आपको ना इस पर ध्यान देना होगा, तभी ये भविष्य में कुछ कर पाएगा। क्या करें मैडम, कारोबारी ऐसा है, नहीं ध्यान दे पाते हम। क्या कारोबार है आपका? हमारा रॉयल फैमिली, बहुत सारा बिजनेस है हमारे। आपने अंबानी का नाम सुना होगा? हाँ सुना है।
सेम ही है हम भी। आप इतने अमीर हैं? नहीं नहीं, हम भी उनकी तरह दो भाई हैं। अनिल पांडे, मुकेश पांडे। वैसे बिजनेस हमारा बड़ा है। अभी पिछले दिनों ये जुहू का समंदर नहीं है, उसमें हमने मिट्टी डाल के खेत बनाया, उसमें हमने मूलियां बीजी हैं। जो मेरे पिताजी ना बाबूजी घर की मूली के पराठे खाते हैं। वैसे तो हमारा डायपर का बिजनेस है, यू वॉन्ट बिलीव। मेरा एक डायपर का कंसाइनमेंट आ रहा था बाहर से समंदर में, शिप पलट गया, डायपर सारा पानी सोख गया समंदर का। हम लोग ट्रेवल करते नहीं गाड़ियों में, हम लोग हेलीकॉप्टर में रहते ज्यादातर। आपके पास हेलीकॉप्टर है? हेलीकॉप्टर एक नहीं, काफी सारे है। इतने सारे हेलीकॉप्टर है, मतलब आप समझिए अमीर फैमिली है। मेरे दादाजी को जैसे थोड़ी सी दाढ़ में दर्द हुआ, थोड़ा सा भी कुछ हो पेट दर्द हो, हम सीधा आईसीयू में जाते हैं, छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवाते नहीं हम लोग। मेरे दादाजी एक बार नूडल खा रहे थे, फोक लग गया उनके यहाँ पे, कट गया, तीन टांके लगे। मैंने कहा इतनी अमीरी और सिर्फ तीन टांके? मैंने चाकू पकड़ा, पूरा काट दिया, पूरा यहाँ तक काट दिया गर्दन। अभी इतना हिस्सा है नहीं दादाजी का, शोल्डर के बाद सीधा नाक शुरू होती है। अमीरी बड़ी है, क्या करे। हाय, आपने अपने दादाजी के साथ ऐसा किया? ओह माय गॉड, आपको बुरा लगा? आई एम सॉरी। हटो, ये क्या बार बार आप गले लग जाते हैं? एक्चुअली बाबूजी के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बट आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ सरप्राइज माय बाबूजी। मेरी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से बात चल रही है। किस बारे में बात चल रही है? स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं हम लोग। आप स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं? हाँ, हाँ, रात को क्या है, बाबूजी को ड्रिंक के साथ थोड़ी सी बर्फ डालनी होती है। मैंने कहा ले लो स्विट्जरलैंड, क्या फर्क पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं, आपको बताया एक बार मेरा पर्स भूल गया मैं जहाज में, मेरे को याद ना है कहाँ भूला है, फिर मैंने उस एयरलाइन के सारे जहाज खरीद लिए। सारे जहाज खरीद लिए? हाँ, क्यों? पता नहीं था ना किस जहाज में रह गया है, आइडिया नहीं होता, तो मैंने कहा खरीद लो सारे जहाज, आपको अमीरी का अंदाजा नहीं है हमारा। आपको पता है हमारे पास खुद के दो ऑस्ट्रेलिया है, गोडाउन में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, हम जाते नहीं। पर जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया में एक ही ऑस्ट्रेलिया है। हाँ तो एक ही होगा ना, दो हमने खरीद लिए, टोटल तीन थे, एक बच गया। पापा वो अपना साउथ अफ्रीका वाला जो समुंदर था ना, हाँ? वो क्या वहाँ गर्मी बहुत पड़ती, जल्दी से उसका ढक्कन बनवा दो, नहीं तो पानी सूख जाएगा। आप लोग इतने अमीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं अभी भी हमारे नौकर कितने, 12 लाख नौकर है हमारे। हाँ हंस कह रहा है गरीब आदमी, 12 लाख नौकर है। हमें कभी छोले खाने हो ना तो हर एक नौकर एक एक छोला ले जाता है, घर पे भिगो देते हैं, अगले दिन हम बना के खा लेते हैं। हाय कमाल है, देखो इतने बड़े घर का लड़का और पढ़ाई में इतना कमजोर। देखिए अगर ये इस बार फेल हुआ ना तो हमें मजबूरन इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा, एक्चुअली क्या है इसकी कोई माँ नहीं है तो कभी डांटा नहीं इसको। ओह आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी फील करनी है, आप थोड़ी भागी ड्राइवर के साथ, इसकी माँ भागी ना। आप परसों फ्री है तो हम शादी कर लें। क्या शादी? हाँ आपके साथ। क्यों? अरे आपका और मेरा क्या मेल, आप इतने बड़े रईस और एक बच्चे के बाप, कुंवारे होते तो अलग बात थी। नहीं नहीं वो ऐसे बोला मैंने, मैं इसका बाप कोई नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना डायपर की कंपनी, तो मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। कंपनी की तरफ से बच्चा मिला? हाँ गाड़ी मिली, फ्लैट मिली और बच्चा मिला। वो क्या कि डायपर का डेमो देने जाते थे घर घर, तो छोटा बच्चा मिला था डेमो देने के लिए। वो भी ये बड़ा हो गया, प्यार पड़ गया, मैंने वापिस नहीं किया, शादी कर लो। तो फिर ये बच्चा किसका है? ये मेरी सेक्रेटरी का, क्या कि कॉम्पिटिशन बहुत है, रात रात तक काम करते रहते थे, तो ये चीजें हो जाती है। आप शादी कर लो मेरे साथ। नहीं 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 प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी, पैसे सब कुछ नहीं होता, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का ना म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। तो आपको क्या लगता है मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है? अब मैं बहुत बड़ा म्यूजिक लवर हूँ, मैं गाना सुनाऊँ आपको, दरबारी रखो जरा। अदनान साहब के लिए अर्ज किया है। मुद्दता हूँ यहाँ हाय पे दरिदा हो, असी बैठे हाँ अखियां लाके, मुद्दतां होइयां बेदर्दा। ठीक से बजावे। हो असी बैठे अखियां लाके, तेरा प्यार नी साड़ी किस्मत विच नहीं वे, असी वेख लिया अजमा के, कदियां कदियां प्यारिया बिस्मिल्ला, वो साडे सामने नजरा मिला के, बो यारी दोस्ती दा मजा तद्यों,
वे साडे वांग कर बार उजाड़ के बो आपके लिए दो लाइन अर्ज की है पंजाबी में कि साडिया एक्टा ते सिखी हसना हो बैगी मड विच बंगले बना के साडिया एक्टा ते सिखी हसना वो बैगी मड विच बंगले बना के गुजरातियां पंजाबियां नू लुटिया गुजरातियां पंजाबियां नू लुटिया गुजरातियां पंजाबियां नू लुटिया चिट्टे पेपरां ते साइन करा के साडिया पंगट सिखी हसना वो बैगी मड विच बंगले बना के बस करो सर जी दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं यही में बंद करो अर्चना आप पे जो इल्जाम लगाया गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगी मेरे ऊपर तो कितने इल्जामात हैं मिलॉर्ड कपिल मेरे भाई जो आपने ये गाना गाया जो मुझे इज्जत बख्शी आपने लास्ट दो लाइनों में दैट वाज द पिनिकल द ट्रू क्लाइमैक्स ऑफ अ वंडरफुल एक्ट ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी एंटरटेनिंग सैटिस्फाइंग एक्ट विद अ ग्रेट क्लाइमैक्स थैंक यू सुहेल एज अ जज आई हैड अ कांस्टेंट स्माइल ऑन माय फेस थ्रू आउट द एक्ट एक खुशी थी क्या यार हम एक अच्छा एक्ट देख रहे हैं क्लीन एक्ट मजा आ रहा है एंड विथ ग्रेट टाइमिंग्स फ्रॉम ऑल द थ्री एब्सोल्युटली फैबुलस थैंक यू थैंक यू अदनान द एंटायर टीम वाज फैंटास्टिक ऑल ऑफ यू वर एब्सोल्युटली अमेजिंग और आप इतना खूबसूरत गाते हैं बहुत अच्छा लगा आपका और एंड ऑफ कोर्स द क्लाइमैक्स वाज अमेजिंग द क्लाइमैक्स वाज द बेस्ट इनक्रेडिबल थैंक यू सो मच जजेस टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स सुहेल 10 10 points from Suhail and 10 points from Archana. Gaiki, adaigi, fankari, sab cheez ke liye 10. Thank you, ma'am. आज कॉमेडी सर्कस का पूरा सिलेबस सिखाने आ रही हैं हमारी गेस्ट जोड़ी राजीव ठाकुर एज प्रिंसिपल एंड अतुल परचुरे एज बच्चा आज मैं यहां पर पहुंचा हूं गुरुकुल को लेकर इसलिए सबसे पहले क्लास स्टैंड अप निकुल तू तो मुझे कहता था कि सबको इंग्लिश आती है जब नहीं इंग्लिश आती तो मुझे क्यों बोलते हो कि इंग्लिश में जाके स्टैंड अप करो आई जस्ट वांट टू डू इंग्लिश इन स्टैंड अप हाउ कैन आई व्हेन यू डोंट नो एंड ही सेज के आपको इंग्लिश आती है कल मैंने सुहेल जी को बोला जस्ट कास्ट मी इन योर फिल्म कहते व्हाट मैंने कहा जब आपको इतनी सी इंग्लिश नहीं आती तो बाकी इंग्लिश का क्या करोगे आप लेकिन आज मैं यहां पर गुरुकुल खोला हूं और जिसका मैं प्रिंसिपल हूं नए स्टूडेंट आए हैं अदनान जी हेलो मैंने सुना है कि 10 साल पहले आपने सबसे तेज माउथ ऑर्गन बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अबे पियानो पियानो अबे चुप बे 10 साल पहले पियानो उनके सामने माउथ ऑर्गन ही लगता था लेकिन सर सच्ची बात है 10 साल पहले आप थोड़े लेजी थे थोड़ा सा वो आपके गानों से पता चल जाता है मतलब भीगी भीगी रातों में तुम फिर आओ ना अच्छा वही फिर आए मतलब गर्लफ्रेंड भी चाहिए और होम सर्विस भी फिर आपका एक गाना था ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए अब सर उस टाइम पे आप बादलों पे पैर रखोगे तो आसमां तो झुक ही जाएगा ना हम सच में आपके बहुत बड़े फैन हैं और अच्छा लग रहा है आपको सामने अपने जैसा देखकर थैंक यू तो ये है गुरुकुल यहां पर सिर्फ मेरा पाठ चलता है और मेरा जाने का टाइम हो गया लेकिन मेरा स्टूडेंट नहीं आया आज बताऊंगा कि प्रतिष्ठा परंपरा कुलभूषण खरबंदा क्या होता है ये, ये। सब बताऊंगा ये, 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 ये। रे तेरी बहन तेरी भाभी अरे तेरी दीदी होगी अर्चना मेरे तो फूफा है वो मेरी बुआ परमित से शादी की है उन्होंने ये तुम बाहर से गालियां निकालते हुए क्यों अंदर आ रहे थे सर वो मुझे बोल रहे थे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट का हिंदी बताओ तो मैंने बताया भाग अबे भाग भाग तेरी माँ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ पत्थर मारे पत्थर दो तो मैंने खा लिए सर तीसरा गले में अटक गया
जब देखो खाने की बात करता है, जब देखो खाने की बात करता है। कल मैंने ब्लैक बोर्ड पे समोसा लिखा, ब्लैक बोर्ड खा गया। बेवकूफ बेवकूफ। परंपरा, प्रतिष्ठा, पराठे। सर ये क्या बार बार पराठे क्या बोलते रहते हो? सर पराठे बोलो ना, कितना मजा आता है खाने में। पराठे परंपरा नहीं चाहिए, पराठे। इतना लेट क्यों आए हो? सर घर पे बीमार है। कौन बीमार है? हमारी भैंस। बेटा जब तेरे जैसे बच्चे पैदा करेगी तो भैंस बीमार ही होगी। सर आज तक मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की है। चल निकल पतली गली से। किसको बोला बे निकल पतली गली से? किसको बोला निकल पतली गली से? फंस गया तो बैग कहाँ है तुम्हारा? खा गया। क्यों? सर बैग पे चटनी लगी थी, इतना टेस्टी चटनी मैंने खा दिया। शुक्र है श्रुति पे नहीं लगी थी, वरना सोहेल साहब का तो नुकसान हो जाता। चलो उधर जाके गेंडा बन जाओ। अरे सर मुर्गा होता है मुर्गा। अबे इतना बड़ा मुर्गा देखा कभी तूने? आगे से नहीं करना। अरे सर आप ऐसा कुछ सिखाओ ना जो बड़े होकर काम में आएगा, ऐसा कुछ पढ़ाओ। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो बड़े होकर काम में आए। तो हाँ ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा होने में काम आता है। कौन सा सर? कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस? हाँ। तो मुझे पढ़ना है सर। बेटा इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। अच्छा अच्छा। इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं होता। अच्छा। साइंस वाले खुद सोच रहे कि ऐसा इसमें क्या है कि दूसरों का भूगोल खराब करके अपना इतिहास रचे जा रहा है। सर फिर भी मुझे पढ़ना है सर। पढ़ना है तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। हमें राइटर बनना है, एंकर बनना है, ऑडियंस बनना है, म्यूजिशियन बनना है या जज बनना है। सर अब डायरेक्टर तो बोले ही नहीं। बेटा कंटेंट बेस्ड शो है, इसमें डायरेक्टर का कोई काम नहीं होता है। सर इसीलिए आप हमेशा गेस्ट अपीयरेंस करते हो। ये ऐसा बोलते हो ना फिर निकुल निकल देता है, है? निकल नुकुल लेता है, नुलुक नुलुक नुकुल निले नुकुल नुलुक कुलुक निकुल निकाल देता है। सर डायरेक्टर तो भगवान होते हैं, डायरेक्टर को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टर होते हैं, समझे? तुम तो पक्का होने आया यहाँ पर। वही क्वेश्चन। बेटा वो डायरेक्टर इसलिए बना था क्योंकि वो उसने बचपन बोला था कि मैं बड़ा होकर डाकू बनना चाहता हूँ, तो उसने मामा ने कहा मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, बंदूक मेरी होगी, कंधा तेरा होगा, पीठ सबकी होगी। फिर मुझे नहीं बनना है, फिर मुझे राइटर बनना है। राइटर मत बन बेटा, राइटर मत बन। क्यों क्यों सर? क्योंकि राइटर की स्क्रिप्ट उस बीवी की तरह होती है जिसे ब्याहता तो वो है लेकिन परफॉर्म कोई और करता है। और उसके बाद जज कह रहे होते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन ये बीवी किसकी थी? ये अच्छी नहीं थी। सर फिर भी मुझे राइटर ही बनना है। ओके कौन से महान राइटर है सर कॉमेडी सर्कस के? बहुत महान राइटर हैं। अच्छा। जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अच्छा। ये हैं हमारे कॉमेडी सर्कस के राइटर, राज शांडिल्य। हाँ हाँ। इसमें और कालिदास में एक ही फर्क है। क्या क्या? अगर उस वक्त फेसबुक होती तो मेरा ख्याल है कालिदास भी स्टेटस डाल डाल के तुलसीदास का क्रेडिट खा गया होता। और ये हैं हमारे वंकुश अरोड़ा, इन्होंने केजरीवाल को बनाया है। अच्छा। मंत्रा के एक्ट में से जो दो चार सटायर बच जाते थे केजरीवाल को देते थे। और ये हैं हमारे कॉमेडी सर्कस के राइटर राज वर्मा, आप इनकी शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इनसे पंचर लगवाने हैं या जनरेटर में डीजल डलवाना है। और ये हैं मुख्य राइटर अंबरदीप सिंह, इनमें और शेक्सपियर में एक लेवल के राइटर हैं ये, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में पंच नहीं होता, इसकी भी नहीं होता। ओ, मतलब हमारा ये स्क्रिप्ट इन चारों ने मिलके लिखा है। बेटा बर्बाद करने के लिए एक ही काफी, चारों की क्या जरूरत है। तो सर मुझे नहीं राइटर बनना है, फिर मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनने के लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस तुम्हें बनाना पड़ेगा। हाँ सर बनाइए। हाँ। अर्चना ठाकुर के एक्ट पे आज हंस रही है। झूठ इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करने आता। अर्चना स्टैंडिंग ओवेशन देगी। ठाकुर इज ड्रीमिंग। बेटा अगर सच हो गया ना तो आज ही तुझे एलिमिनेट करवाऊंगा। मैडम प्लीज करवा दो एलिमिनेट इसको प्लीज। थैंक यू। तो अदनान कैसी लगी आपको हमारी गेस्ट जोड़ी की ये परफॉर्मेंस? मेरे ऊपर इतने सारे मजाक किए गए थे कि मुझे फिर बाद में तर्स भी आया कॉमेडियंस पे
क्योंकि एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो पंच लाइन्स बहुत सारी थी, लेकिन जो मैंने एक पंच लाइन कभी पहले नहीं सुनी कि जा जाके गेंडे बन गए क्योंकि मुर्गा नहीं बन सकता मेरे लिए बहुत कुछ इस्तेमाल किया गया लेकिन ये कभी नहीं किया गया। इट वॉज वेरी इंटरटेनिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अर्चना, क्या आप ठाकुर के एक्ट को स्टैंडिंग ओवेशन देंगे? नहीं, मैं हमेशा आपके जज्बे की मैंने बहुत तारीफ की है राजीव, लेकिन अतुल आपके लिए खास मेंशन। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे पागलपन बहुत पसंद है और ये पागलपन मैंने आज अतुल आप में देखा। आप पागल हैं, आप जब परफॉर्म करते हैं तो आप टांग इधर उधर, और जिस अंदाज से आपने परफॉर्म किया है वो बहुत क्यूट था। आप दोनों के कॉम्बिनेशन ने बहुत एंटरटेन किया आज। राजीव, यू आर वेरी गुड, बट अतुल यू आर फैंटास्टिक। सोहेल, अतुल फर्स्ट, यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस, लेकिन फॉर राजीव दिस इवनिंग थैंक यू टू ऑल आवर जजेस, एंड एक बार जोरदार तालियां हमारी आज की गेस्ट जोड़ी राजीव और अतुल के लिए।